Welcome, this is Pradeep sir, my YouTube channel Pradeep Paraswani for free education, right? तो स्वागत है आप सभी का इंग्लिश क्लासेस में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बार फिर मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि पूरी वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखना ताकि आप कुछ भी इम्पॉर्टेंट बात मिस ना करें। इन सेंटेंसेस को बोलते हुए समझाते हुए कई बार बहुत अच्छी बातें बीच में आती हैं एक्सपीरियंसेस के हिसाब से, तो उन बातों से हमको बड़ी मोटिवेशन मिलती है और हम अपने काम में जल्दी कामयाब हो जाते हैं, राइट? तो अभी तक हम 28 पेज कर चुके हैं, आज हम करेंगे पेज नंबर 29, 30, 31, 32। तो पेज नंबर 29 को देखिए, सेंटेंस नंबर 381, 381। तो ये पहला सेंटेंस है, वह कल 20 साल का हो गया, ही टर्न्ड 20 yesterday। मैं उस क्लास में एक दो महीने गया, आई वेंट टू दैट क्लास फॉर अ मंथ और टू। मैंने यह बात किताब के प्रारंभ में ही बताई, आई टोल्ड दिस इन द बिगिनिंग ऑफ दिस बुक, राइट? या ऐसे बोलो कि आई टोल्ड दिस इन द बिगिनिंग ऑफ द बुक इटसेल्फ। मैंने वह घर 5 लाख रुपए में मांगा, आई ऑफर्ड 5 लाख रुपीज फॉर दैट हाउस। इस गठरी को बांधने में मजबूत रस्सी लगेगी, अ स्ट्रॉन्ग रोप विल बी रिक्वायर्ड टू बाइंड दिस बंडल, BIND, बाइंड। एक दो दिन में बुखार उतर जाएगा, इन अ डे और टू द फीवर विल कम डाउन। मुझे भरोसा है कि वह हमारी मदद करने आएगा, आई एम श्योर ही विल कम टू हेल्प अस। आप अपने अधिकार का दुरुपयोग कर रहे हैं, यू आर मिस यूजिंग योर अथॉरिटी। आम के पेड़ पर फूल लग रहे हैं, मैंगो ट्रीज आर ब्लॉसमिंग। लाखों लोग अत्यंत दरिद्रता में जी रहे हैं, मिलियंस ऑफ पीपल आर लिविंग इन एक्सट्रीम पॉवर्टी। इस तरह से बोल देते हैं हम लोग, वैसे 10 लाख को 1 मिलियन बोलते हैं और 100 लाख का 1 करोड़ होता है, तो यानी कि 1 करोड़ में 10 मिलियन होते हैं, ठीक बात? तो ऐसे भी समझ लेते हैं इसको हम। नेक्स्ट सेंटेंस है 391, 391। मैं स्टेशन से मेरी माँ को लेने जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू ब्रिंग माई मदर फ्रॉम द स्टेशन। या ऐसे भी बोल सकते हो कि आई एम गोइंग टू गेट माई मदर फ्रॉम द स्टेशन। वह आजकल राजनीति में रुचि ले रहा है, ही इज टेकिंग इंटरेस्ट इन पॉलिटिक्स दीज डेज। मेरी घड़ी 1 घंटे में 5 सेकेंड पीछे जा रही है, माई वॉच इज लूजिंग 5 सेकेंड्स एवरी आवर या आवर, राइट? पेज नंबर 30 देखिए, सेंटेंस नंबर 394। मुझे लगता है कि बच्चे के दांत आ रहे हैं, आई थिंक द चाइल्ड इज टीथिंग। तो बच्चे के जब दांत निकलते तो उसको टीथर देते ना, तो ये शब्द यहीं से निकला हुआ है। बहुत से लोग आग बुझाने की कोशिश कर रहे थे, मैनी पीपल वर ट्राइंग टू डाउज द फायर। डाउज का मतलब होता पुट आउट, DOUSE, डाउज। मैनी पीपल वर ट्राइंग टू डाउज द फायर, या फिर ऐसे बोल लो, मैनी पीपल वर ट्राइंग टू पुट आउट द फायर। नेक्स्ट सेंटेंस है, झंडे लहरा रहे थे, फ्लैग्स वर फ्लैपिंग, या फिर फ्लैग्स वर फ्लटरिंग।
हम चोर सिपाही का खेल खेल रहे थे. वी वर प्लेइंग द गेम ऑफ कॉप्स एंड थीव्स. पेड़ हवा में डोल रहे थे. ट्रीज वर स्वेइंग इन द विंड. या फिर ऐसे बोल लो, ट्रीज वर वेविंग इन द विंड. स्वेइंग की स्पेलिंग लिख रही है यहां पर एस डब्ल्यू ए वाई आई एन जी, और वेव मतलब लहर होती है जैसे डब्ल्यू ए वी ई, तो वेविंग उसी से बना है डब्ल्यू ए वी आई एन जी. नेक्स्ट सेंटेंस है 399. छाया चित्रकार उसके इर्द गिर्द भीड़ कर रहे थे. फोटोग्राफर्स वर क्राउडिंग अराउंड हिम. मैंने मेरी योजना तुम्हारे सामने स्पष्ट कर दी है. आई हैव मेड माई प्लान्स क्लियर बिफोर यू. तुम्हारे जूतों में थोड़ी गंदगी लगी है. यू हैव गॉट माइंड सम डर्ट ऑन योर शूज. या फिर सिंपल बोल लो कि योर शूज आर डर्टी. तुम्हारे जूतों के तस्मे खुल गए हैं. तो तस्मों को हम लोग फीते जो होते हैं जूतों के, उनको शू लेस बोलते हैं, एस एच ओ ई एल ए सी ई. तो यहाँ हम ऐसे बोलेंगे कि योर शू लेसेस हैव बिकम लूज. ऐसे भी बोल सकते हैं योर शू लेसेस हैव बिकम अनडन. नेक्स्ट सेंटेंस है 403. तुमने उल्टी कमीज पहन रखी है या तुमने उल्टी कमीज पहनी है. यू हैव पुट ऑन योर शर्ट इनसाइड आउट. नई कारों की मांग कम हुई है. डिमांड फॉर न्यू कार्स हैव फॉलन. इस नदी में इस साल कई बार बाढ़ आई है. द रिवर हैज फ्लडेड सेवरल टाइम्स दिस ईयर. मुझे उससे कुछ गलत आदतें लग गई हैं. आई हैव पिक्ड अप सम ऑफ हिज बैड हैबिट्स. नेक्स्ट सेंटेंस के लिए अगले पेज पर चलते हैं, पेज नंबर 31. मेरी अंग्रेजी इस किताब से बहुत सुधर गई है. माई इंग्लिश हैज इम्प्रूव्ड ग्रेटली विद दिस बुक. पड़ोस के लोग दूसरी जगह रहने गए हैं. नेबर्स हैव मूव्ड टू सम अदर प्लेस. राइट. 409 नंबर देखिए. घर की हर चीज पर धूल जम गई थी. अ लॉट ऑफ डस्ट हैड सेटल्ड ऑन एवरीथिंग इन द हाउस. मुझे नौकरी मिलने के बाद से मेरी किताबें धूल खाती रही. माई बुक्स हैव बीन गैदरिंग डस्ट सिंस आई गॉट अ जॉब. उसने गला साफ किया और बोलना शुरू किया. ही क्लियर्ड हिज थ्रोट एंड स्टार्टेड स्पीकिंग. भूकंप में सैकड़ों इमारतें ढह गई. हंड्रेड्स ऑफ बिल्डिंग्स कोलैप्स्ड ड्यूरिंग द अर्थक्वेक. क्षमा कीजिए, मैंने गलती से आपका छाता ले लिया. आई एम सॉरी, आई टुक योर अम्ब्रेला बाय मिस्टेक. कभी ना कभी सच जरूर सामने आएगा. द ट्रुथ विल सर्टनली कम आउट सूनर और लेटर. कल रात फिर हिंसा उभर आई. वायलेंस फ्लेयर्ड अप अगेन लास्ट नाइट. वायलेंस को बोलते हैं हिंसा, और उभर आने का मतलब होता है फ्लेयर्ड अप, जैसे आग होती है. राइट. लंबी बीमारी के बाद कल उसका निधन हो गया. आफ्टर अ प्रोलॉन्ग्ड इलनेस ही डाइड यस्टरडे. कल रात को जम्मू में बहुत बारिश हुई. इट रेन्ड हेवली इन जम्मू लास्ट नाइट. राहुल और प्रवीण को
क्रमशः 50 और 48 अंक प्राप्त हुए। राहुल एंड प्रवीण गॉट 50 एंड 40 मार्क्स रेस्पेक्टिवली। बच्चों ने मुझ पर सवालों की बरसात कर दी। द चिल्ड्रन रेन्ड क्वेश्चंस ऑन मी, या फिर ऐसे बोलो कि द चिल्ड्रन रेन्ड डाउन क्वेश्चंस ऑन मी, राइट? उसने सेवा में 10 साल नौकरी की। उसने सेना में 10 साल नौकरी की। ही सर्व्ड द आर्मी फॉर 10 ईयर्स, या फिर ही सर्व्ड इन द आर्मी फॉर 10 ईयर्स, दोनों ही ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तुम्हारी जेब से कोई चीज गिर पड़ी है। समथिंग हैज फॉलन आउट ऑफ योर पॉकेट। उसने पल भर के लिए सोचा और फिर बोला। ही थॉट फॉर अ मोमेंट एंड देन सेड। तो ये हो गए हमारे 442 सेंटेंसेस। अब नीचे देखिए, इसके मैंने कुछ शब्द लिखे हुए हैं जिनकी कुछ फॉर्म्स दिखाई दे रही हैं हमको, तो ओरिजिनल वर्ड के साथ में थोड़ी सी एडिशन करके हम उसको प्रेजेंट, पास्ट या फिर फ्यूचर के लिए तैयार कर देते हैं शब्द को, राइट? तो मैं आपके लिए पढ़ देता हूं, आपको प्रोनाउंसिएशन भी समझ में आ जाएगी कि किस वर्ड को प्रोनाउंस कैसे करते हैं हम लोग या बोलते कैसे हैं उसको। गो गोइंग, रीड रीडिंग, फ्लो फ्लोइंग, कम कमिंग, राइट राइटिंग, हाइड हाइडिंग, स्टॉप स्टॉपिंग, सिट सिटिंग, रन रनिंग, लाई लाइंग, डाई डाइंग, ट्राई ट्राइंग, स्टडी स्टडिंग, वरी वरिंग, कैरी कैरिंग। और देखिए, स्टार्ट स्टार्टेड स्टार्टेड, वॉश वॉश्ड वॉश्ड, फिनिश फिनिश्ड फिनिश्ड, रेन रेन्ड रेन्ड, ओपन ओपन्ड ओपन्ड, पिक पिक्ड पिक्ड, लाइक लाइक्ड लाइक्ड, टायर टायर्ड टायर्ड, चेंज चेंज्ड चेंज्ड, लव लव लव, ट्राई ट्राइड ट्राइड, स्टडी स्टडीड स्टडीड, कैरी कैरिड कैरिड कैरिड, प्ले प्लेड प्लेड, ओबे ओबेड ओबेड, स्टॉप स्टॉप्ड स्टॉप्ड, रॉब रॉब्ड रॉब्ड, कुक कुक्ड और कुक्ड। तो आप सोचोगे सर ये लास्ट के दो वर्ड तो सेम है एक्चुअली, तो एक्चुअली ये तीन क्या होते हैं, थोड़ा से ग्रामर में बोलते हैं हम लोग कि प्रेजेंट, पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल, बस ज़्यादा नहीं सोचना इसके बाद में हमने, राइट? तो प्रेजेंट की बात करते हैं तो ये पहला वाला वर्ड लग जाता है कि स्टार्ट वॉश फिनिश इस टाइप के, राइट? कंटिन्यूस की बात होती है तो इसके आगे ing लगा देते हैं, और पास्ट की बात होती है तो हम जो है ed करके मेजॉरिटी जो वर्ड्स है हमारे पास ed से ही सेट हो जाते हैं, राइट? तो विशिंग यू ऑल द बेस्ट वंस अगेन, कीप रिवाइजिंग कीप रीडिंग। यहाँ तक जितने भी सेंटेंसेस आपके सामने आए हैं आपको इन्हें बोल बोल कर प्रैक्टिस करना है। जब तक आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे सिर्फ सुनने से कुछ नहीं होगा, ठीक है ना? तो रिवाइज करते रहिए, जहाँ तक जितना काम हो जाए वहाँ तक उसे डेली पढ़ने की कोशिश कीजिए, तो आपका काम धीरे धीरे बढ़ रहा है अब, राइट? तो मेरी शुभकामनाएं हैं आपके साथ। तो इसी बात के साथ आज की बात मैं समाप्त करता हूँ। जय भारत, जय हिंद, वंदे मातरम।